डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल ने कहा कि देश की एकता और अखंडता को बरकरार और मजबूत रखने के लिए पूरा देश सशस्त्र बलों का हमेशा कर्जदार रहेगा, जो कि देशवासियों के कल के लिए अपना आज न्यौछावर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। वे आज सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर जिला प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स में झंडा दिवस के प्रति सार्वजनिक दिलचस्पी पैदा करने, नागरिकों में जागरूकता फैलाने व झंडे के सम्मान में वित्तीय अंशदान एकत्र करने के लिए जिला रक्षा सेवाएं कल्याण कार्यालय स्टाफ व सैनिक इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी की टीमों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। आर्म्ड फोर्सेस फ्लैग डे है जेड़ा कि 1949 तो लाके मनाया जा रहा है। बेसिकली इस दिन ते जेड़ा एक आम नागरिक है उदले एक जरूरी है कि वो अपनी फौज नू फौज दे नाल कनेक्ट कर सकन। बहुत सारे जवान जिन्हें कि शहीदियां प्राप्त की थी, असीं उन्हां नू याद करिए, श्रद्धांजलि देिए। सारे वीर नारीज, बहुत सारे पेरेंट्स, बच्चे, बहुत सारे डिसेबल्ड सोल्जर भी साढ़े कोल हैगे आ, और हर टाइम जवान चाहे वह फील्ड दे विच है, चाहे पीस दे विच है, जिते भी तैनात हैं, उन्हां दी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। उन्हां करके ही जिहड़ी साडी अखंडता और आज़ादी है कामयाब है। थैंक यू सो मच। अज जिला सैनिक भलाई अफसर के दफ्तर के नाल मिल के नैशनल फ्लैग डे मनाया गया है। इस उत्सव के उत्ते एक रैली कढ़ी गई है जिस दे विच बच्चे जाके लोगों नू मोटिवेट करेंगे कि फ्लैग डे के उत्सव से वध तो वध आर्मी के लिए डोनेशन पान। मैं इस मौके पर सारे हुशियारपुर वासियों नू यही मैसेज देना, यही सुनेहा देना चाहते हैं कि असी केवल आर्मी करके ही अपने घरां दे विच सुरक्षित बैठे हैं। ये साडा फर्ज बनता है कि असी उन्हां दे लई वध तो वध जिथे उन्हां दी प्रेरणा करिए, उन्हां दे वेलफेयर लई कॉन्ट्रीब्यूट भी करिए। ये नैशनल फ्लैग डे एक बहुत अच्छा मौका हुंदा है, बच्चे जाके लोगों नू मोटिवेट करेंगे कि आर्मी दे लई कोई कॉन्ट्रीब्यूशन पान। तो इसकी अज डीसी ऑफिस तो शुरुआत की गई है। मैं सारे बच्चों का जिन्होंने इस मौके पर पार्टिसिपेट किया उन्हों का धन्यवाद करते हैं। सारे हुशियारपुर के वसनीकों को अपील करते हैं कि वह भी वध तो वध आर्मी का एक तरफ सम्मान करिए, ज्यादा तो ज्यादा बच्चे मोटिवेट होके साड़ी आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें। होशियारपुर से कुलभूषण शर्मा की रिपोर्ट, कैमरामैन युगमार्ग टीवी।